कोई पैसे खाकर चले गया और आपके पैसे नहीं दे रहा, बहुत मेहनत कर लिया, फोन भी नहीं उठा रहे, आप उसको बार बार खबर कर रहे हो कि मेरा पैसा दे दे, वो नहीं दे रहा और वो फोन तक नहीं उठा रहा, वो आपका कोई पैसा देने को तैयार ही नहीं है। महाराज, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र के अंदर कहीं बटुक भैरव का मंदिर हो। कौन से भैरव का? जम के बोलिए, बटुक भैरव का मंदिर। तो बटुक भैरव के मंदिर में पीली सरसों, कौन सी सरसों है? पीले कलर की सरसों आती, जैसे सरसों कहते हैं राई को, एक काली राई होती है, एक पीली राई होती है। काली राई तो सब्जी वगैरह में काम आती है और पीली सरसों होती है। तो पीली सरसों एक दोने के अंदर या बड़ के पेड़ के पत्ते के अंदर उस सरसों को रख लो और एक आटे का दिया बनाओ, उस दिए में दो बाती बटुक भैरव के नाम की रख दो और तिल्ली का तेल डालकर उसमें दिया लगाकर अपनी कामना करकर जिससे पैसा लेना है उसका नाम बोलकर, सरनेम बोलकर और उस दिए को जला दीजिए। फिर वो बटुक भैरव का काम है कि उसको कितने दिन में लेकर तुम्हारे पास में आना। वैसे तो भैरव चरित्र कहता है कि लगभग 15 दिन के अंदर वो पैसा देना चालू कर देता है। 15 दिन, जैसे कल एक माता जी कह रही थी कि हमारा पैसा, कोई आई थी कहीं से, कोई पास का वहां से, तो कह रही थी हमारा पैसा बहुत अटका हुआ था पर धीरे धीरे उसने देना चालू कर दिया। तो अब ये उसके ऊपर, वैसे तो शास्त्र कहता कि 15 दिन के अंदर वो आपका हाथ जोड़कर पैसा चुकाना प्रारंभ कर देता है। बटुक भैरव का काम ही यही है कि वो प्रकट होकर तुरंत जाकर उस कार्य को सिद्ध, तुरंत बटुक भैरव का काम। भगवान शिव ने बटुक भैरव को प्रकट